देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, S10 हमें चाहिए, तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? ए, अब देखो R इसका 1 से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो A कितना है बताओ इसमें, 3, और R है 2, 2 की पावर n, n मतलब 10, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 की पावर 10 माइनस 1। और बाय द वे ये 3 टाइम्स 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, सो दैट इज 3 × 1023, तो ये कितना हो जाएगा, 23 × 69 आ जाएगा, 3069। बिल्कुल सही जवाब है, यही आंसर हो जाएगा। समझ आया क्या, क्लियर हुआ क्वेश्चन? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज सीरीज दैट इज 1 कॉमन 1/2, 1.2 स्क्वायर कॉमा 1/2 क्यूब कॉमा एंड सो ऑन। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहिए, आंसर करो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इसको पावर में ही छोड़ सकते हो, ठीक है? इसमें ए कितना है बताओ, ए हो गया 1, कॉमन रेशियो आर है 1/2, और एन कितना है, 20 टर्म्स है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए S20 का। S20 क्या हो जाएगा, इसमें आर 1 से कम है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 − r की पावर n / 1 − r, ये अप्लाई करेंगे। तो ए इज 1 1 times 1 − r is 1/2, 1/2 की पावर n is 20 / 1 − 1 r 1/2, ऐसा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो 1 में से 1/2 सबट्रैक्ट करो तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 times 1 − ये 1/20 है, 2 to the power 20 आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 − 1/2 to the power 19, ये आंसर आ जाएगा। सो S20 जो आंसर आएगा इसमें वो हो जाएगा 2 − 1/2 to the power 19। क्या यही आंसर आया शायद, तुम्हारा कितना आ रहा है, यही आया है सर, यही आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सम द सीरीज आपको इसका सम निकालना है, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। आंसर करो जल्दी से, फटाफट इसको सॉल्व इट, थोड़ा स्पीड में करो। मैं समझा देता हूं कैसे करेंगे इसको, है ना? देखो एन टर्म्स हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एस एन का फॉर्मूला ऐसे लिख, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं, x × x + x × y, तो x² + xy हो जाएगा। इस तरह से सम कर लेता हूं, प्लस ये मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x³ + x²y² हो जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो x³ + x³y³ हो जाएगा, प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ऐसे ही एन टर्म्स जाएगा। तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, देखो ये ध्यान से देखो कि ये डायरेक्ट लिखोगे तो डायरेक्ट तो जीपी में नहीं है, लेकिन इसको रीअरेंज करेंगे। देखें x², x³, x³ up to n terms, ये, और प्लस यहाँ पे देखो xy
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू वाई क्यू, इस तरह से देखोगे तो ये दो जीपी हैं, ये जीपी नंबर वन है, जीपी वन हो गया, और ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू हो गया। तो बाय द वे ये क्या है, दोनों के सम सम कर देना है, इसका सम और इसका सम को फिर किससे ऐड कर देना, ऐड कर देना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, जिसमें ए कितना है एक्स स्क्वायर ए हो गया, और फिर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर की पावर एन माइनस वन। तो आर इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर कितना एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा हो गया। प्लस इसमें देखो ए कितना है, फर्स्ट टर्म है एक्स वाई, एक्स वाई, और आर कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई की पावर नंबर ऑफ टर्म एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, मतलब एक्स वाई माइनस वन, बस ये हो गया। इस तरह से कर दे, अब आप चाहे तो रीअरेंज कर सकते हो या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। दिस इज दी आंसर, क्या इतनी बात समझ आए। क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन है सम, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम टू प्लस सिक्स प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 4374, सम करो और बताओ कितना सम आ रहा है ना, 6560 आंसर है, 6560 बिल्कुल सही जवाब है। चलो मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को, फाइंड द सम। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। और देखो इसमें ये gp है, gp में फर्स्ट टर्म a मिल गया कितना 2, और r कितना है, r है 3, लेकिन n नहीं पता हमें, n नहीं पता। तो n आप निकाल सकते हो, जैसे ये बोलोगे कि ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, लेट कॉल दिस बी कि ये लास्ट टर्म एल है। तो लास्ट टर्म एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू पावर एन माइनस वन ऐसा होता है। तो मतलब 4374 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना ए टू इंटू आर, आर इज थ्री, थ्री की पावर एन माइनस वन, तो टू से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो टू से डिवाइड करने तो कितना मिलेगा, टू टाइम्स 187 इस 3 टू पावर n माइनस 1। अब क्वेश्चन है कि ये 3 का पावर कितना है, तो 2187 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21 और 3 9 27 ऐसा आ गया। फिर 3 कितना आ जाएगा, 3 2 6 4 3 फिर 3 से है ना, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 to power 4 ना, तो ये कितना हो गया 4 और 3 7, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 3 to power 7 इज इक्वल टू 3 to power n-1। तो n कितना हो गया 8, 7 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू 8 आ गया। अब ये यहाँ पे पुट अप कर देता है, तो Sn का फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ, a 2 आ गया, आर इज 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा n, मतलब 10, 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, आर इज 3 ना, बाय द वे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये कट हो गया, तो 3 की पावर 8 माइनस 1 आ गया, ये आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 3 टू पावर 7 तो यही है, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, 3 to power 7 ये है 2187, 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 1, इसमें 2187 इंटू 3, तो ये आ जाएगा कई 2 कैरी, 24 26 2 कैरी
5 आ जाएगा, 3 2 जाए 6, तो ये आ जाएगा 6561 -1, तो ये हो गया 6560, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा यदि आप इसमें आंसर आ गया भाई, तो इसमें थोड़ा और ध्यान दें, और इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी अब जरूरत हमें पढ़ने वाली नहीं है, ध्यान से दें, इसको भी हटा देता हूं, या इतने को हटा देता हूं। देखो ध्यान से, जिसमें ये लास्ट टर्म को हम ए आर टू द पावर एन, या इसको टी एन टर्म्स भी बोल सकते हैं, nth टर्म ऑफ अ जीपी बोला जा सकता है। तो ध्यान से देखो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ए आर टू पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन कर सकते हैं ना, और इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, और ये क्या है देखो, ए आर टू पावर एन माइनस वन क्या है, लास्ट टर्म है ना, तो एस एन का एक फॉर्मूला और बन जाएगा एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, एंड नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए। अब देखो यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। तो एस एन कितना हो जाएगा, देखो लास्ट टर्म इसमें ये लास्ट टर्म गिवन है ना, और आर हमें पता है 3, तो ये कितना हो जाएगा एल आर, लास्ट टर्म 4374 इंटू आर कितना है, आर 3 आ गया था, माइनस ए, ए कितना है 2 अपॉन आर माइनस वन, तो आर कितना है बाय द वे, आर इज 3 माइनस वन, और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 6560। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ, नोटेड डाउन, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द सम फाइव प्लस 55 प्लस 555 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, आंसर करो जल्दी से, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या करेंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक टेक्निक अप्लाई होती है, वो थोड़ा टेक्निक समझना जरूरी है, मैं बस आपको चेक कर रहा था क्या आप उसको आप वो टेक्निक समझ पाते हो क्या अपने आप से। तो एन टर्म्स है तो एस एन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 + 555 + 555 + and so on, इस तरह से अप टू एन टर्म्स, ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले तो 5 कॉमन ले लूंगा, 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिलेगा, 1 + 11 + 111 + 1111 and so on, ठीक है। और क्या करूंगा कि 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 by 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 + 99 + 999 + 9999 + and so on। ऐसा करने से फायदा क्या है, मतलब क्यों करते हैं ऐसा, तो थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। 5 by 9 और ये जो 9 है, इस 9 को मैं लिखूंगा 10 - 1 प्लस 99 को लिखूंगा 10² - 1 प्लस इस 999 को लिखूंगा 10³ - 1 और ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में देखो ये 1, 2, 3 ऐसे n टर्म्स हैं, तो 10^n-1 आ जाएगा ऐसा सिचुएशन। तो अभी देखो ये 5 by 9 और ये कितना 10 + 10² + 10³ + 10⁻¹⁹ और ये 1 कितने हैं, 1 n टाइम्स है, तो ये n आ जाएगा ऐसे लग गया। और बस
ये तो फॉर्मूला, इसको हम फॉर्मूले में फिट कर देंगे, 5/9 और ये फर्स्ट टर्म इज 10 और 10 की पावर n टर्म्स है तो n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस n आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज 5/9 और ये कितना हो जाएगा 10/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 ऐसा, तो और माइनस n हो गया। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर और मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एस एन है, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा एस एन का फॉर्मूला, ये 50/81 या 9 स्क्वायर कर सकते हैं, 81 टाइम्स 10 की पावर n माइनस 1 एंड माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5n/9 ये आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आप छोड़ दीजिए आंसर, समझ आया क्या? देखो कैसे करेंगे। देखो इसमें मेन कंसेप्ट क्या होता है, मेन कंसेप्ट है कि ये 999 में कन्वर्ट कर देना, ताकि आप 10 माइनस 1 करोगे तो ये एक जीपी, ये देखो 10 स्क्वायर, ये जीपी बन जाती है। तो यदि ये कंसेप्ट समझा, 9 बनाने का कंसेप्ट, तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे तुम। और यदि ये नहीं समझा ये कंसेप्ट तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे प्रोसीड करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड सम एस एन इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। आंसर करो, आंसर एट। देखो कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखो करने का तरीका, वेरी सिमिलर टू अर्लियर वन। एस एन को हम क्या लिख देंगे बताओ, ये देखो 7/10 हो गया, 0.7 है, 7/10 स्क्वायर प्लस 7/10 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से अप टू एन टर्म्स, एन टर्म्स। ठीक है, नाउ आप इसमें से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू एन टर्म्स। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, हा? कुछ गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने। यस व्हाट रॉन्ग वी हैव डन। रॉन्ग क्या कर दिया बताओ, क्या गलती की है, गलती क्या की है बताओ। देखो यहाँ पे ये 77/10 स्क्वायर आएगा, 777 अपॉन ये आ जाएगा, इस तरह से एन टर्म्स आ जाएगा। नाउ इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, 1/10 प्लस 11/10 स्क्वायर प्लस 111/10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। या हम लोग बहुत गंदे तरीके से, ऑल्दो आ जाएगा बट हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा तरीका क्या है, वो ऐसा है कि एस एन को हम लिख सकते हैं, यदि मैं 7 बाहर ले लूं तो ये 0.1 हो जाएगा प्लस 0.11 प्लस 0.111 and so on.